हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हो? जय माता दी। आज मैं आपके साथ आपके घर के नन्हे मुन्ने प्यारे से बेबी के लिए लौकी से बनने वाली दो हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस फूड को खाने से आपके बेबी को मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी मिल जाएगा, जो कि बेबी के सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और इस फूड को आप अपने बेबी को लंच, डिनर किसी भी टाइम बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इन हेल्दी रेसिपीज को बनाना तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक बाउल में मैंने दो छोटे चम्मच रेगुलर ओट्स ले लिया है, जिसे अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए भिगो के रख लिया था। और यहाँ पर दो छोटे चम्मच पीली मूंग की दाल ले ली है, जिसे मैंने अच्छे से धो के एक घंटे के लिए भिगो के रख लिया है। इसके बाद दोस्तों, एक मिक्सी ग्राइंडर के जार में थोड़ा सा घीया ऐड कर लेंगे। घीये को अच्छे से धो लिया था, छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके बाद दोस्तों, हम इसमें आधा बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसकी एक फाइन सी प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक मैंने फाइन सी प्यूरी तैयार कर ली है, लगभग एक मीडियम साइज कटोरी के बराबर। देरी ना करते हुए फटाफट से इस हेल्दी फूड को बनाना तैयार करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करते हुए गैस के ऊपर प्रेशर कुकर रख लिया है। एक चम्मच घर का बना देसी घी ऐड कर लिया है। देसी घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। चुटकी भर बराबर जीरा ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि गर्मियों का टाइम है तो बेबी के लिए हम इसमें लहसुन अवॉइड कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया है टमाटर और घी का, उसे ऐड कर लेंगे और एक मिनट तक मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे। और दोस्तों, बेबी को घीया देने से बेबी को पानी की कमी नहीं होगी, साथ ही साथ बेबी का पाचन अच्छा होगा, विटामिन ई, ए, के, ई भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों, जो दाल पीली मूंग की थी, हमने एक घंटे भिगो के रखी थी, उसे ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 40 से 50 सेकंड तक अच्छे से मीडियम फ्लेम में दाल को भी भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, 40 से 50 सेकंड लगभग हो चुके हैं, दाल अच्छे से भून चुकी है। अब इसके बाद दोस्तों, आधे घंटे पहले जो ओट्स हमने भिगो के रखे थे, उसे ऐड कर लेंगे और इसे भी हम 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए, डॉक्टर भी बेबी को ओट्स और घीया गर्मियों में खाने के लिए सजेस्ट करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, चुटकी भर बराबर नमक ऐड कर लेंगे, चुटकी भर बराबर हल्दी ऐड कर लेंगे। आप मसाले अपने हिसाब से हटा भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लगभग एक मीडियम साइज गिलास के बराबर पानी ऐड कर लेंगे। करछी को अच्छे से चला लेंगे। जो दाल और ओट्स जो प्रेशर कुकर में चिपका है, उसे अच्छे से निकाल लेंगे, ताकि बेबी के लिए एक परफेक्ट फूड बनकर तैयार हो जाए। बस अब गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाते हुए 5 से 6 सीटी लगभग आने देंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कितनी कम सामग्री से बेबी के लिए एक सुपर हेल्दी फूड बनकर तैयार हो रहा है। तो 5 से 6 सीटी लगभग आ चुकी है, फूड भी ठंडा हो चुका है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा के देख लेते हैं, बेबी के लिए फूड किस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, बेबी के लिए गर्मियों में एक परफेक्ट हेल्दी फूड बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों, गर्मियों में बेबी को हल्का ही फूड दिया जाता है, ताकि बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो, बेबी को फूड आसानी से पच जाए और बेबी इस फूड को आसानी से खा ले। तो बस इसी तरीके से आप अपने बेबी के लिए घर पर हेल्दी फूड बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस अब अपने बेबी को फूड खिलाने के लिए रेडी कर लेते हैं। जो मेरी बेबी है, 1 ईयर की कंप्लीट हो चुकी है, उसी के लिए ये फूड बनकर रेडी हुआ है। तो अगर आपका बेबी 8 महीने से ऊपर है, तो आप इस फूड को आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक मिक्सिंग बाउल में मैंने 2 छोटे चम्मच हरी मूंग की दाल ले ली है, साथ ही में दोस्तों 2 छोटे चम्मच घर का रेगुलर टुकड़ा राइस ले लिया है। और दोनों चीज़ों को अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे और 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तो दोस्तों, दाल और चावल को 1 घंटे भिगोने से दाल और चावल अच्छे से
फूल जाते हैं और जब बेबी के लिए फूड बनाते हैं तो बहुत कम समय में बनकर जल्दी से तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 30 से 40 ग्राम के करीब मैंने फ्रेश लौकी ले ली है। लौकी के छिलके निकाल लेंगे और लौकी के बारीक बारीक पीसीस करके तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, बेबी को लौकी देने से भरपूर मात्रा में विटामिन और खनिज मिल जाएगा, साथ ही साथ आपके बेबी का पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके बेबी को कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी। अधिकतर देखा जाता है छोटे बच्चों को कब्ज की समस्या अधिक होती है। तो दोस्तों, एक मिक्सी ग्राइंडर का जार ले लिया है, उसमें हमने लौकी को ऐड कर लिया है और आधा टुकड़ा टमाटर का ऐड कर लेंगे और इसकी एक प्यूरी सी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लौकी और टमाटर की मैंने प्यूरी तैयार कर ली है। बस अब फटाफट से फूड को बनाना तैयार करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करते हुए गैस के ऊपर प्रेशर कुकर रख लिया है। अब एक चम्मच देसी घी ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, ये घर का बना देसी घी है। अब इसके बाद दोस्तों चुटकी भर बराबर जीरा ऐड कर लेंगे और जो टमाटर और लौकी की हमने प्यूरी तैयार करी थी अब उसे ऐड कर लेंगे और गैस की फ्लेम आप मीडियम रख लीजिएगा और लौकी और टमाटर को घी में एक मिनट तक मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो लौकी और टमाटर है अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों दाल और चावल को ऐड कर लेंगे प्रेशर कुकर में, जो हमने एक घंटे पहले भिगो के रखी थी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिनट तक दाल और चावल को लौकी और टमाटर के साथ अच्छे से भून लेंगे। और जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, लौकी भी मार्केट में इजी से मिल जाती है, तो दोस्तों आप अपने बेबी के डाइट में लौकी ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसमें अधिक मात्रा में फाइबर होता है जो बेबी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यहाँ पर एक मिनट लगभग हो चुका है। अब इसमें दोस्तों चुटकी भर बराबर नमक ऐड कर देंगे, चुटकी भर बराबर हल्दी ऐड कर देंगे। अगर आपका बेबी एक साल से छोटा है तो आप नमक अवॉइड कर सकते हैं। अच्छे से दोनों चीज को मिक्स कर लेंगे और दोस्तों अब इसके बाद हम 300 ml के करीब पानी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और 5 से 6 सीटी मीडियम फ्लेम में आने देंगे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे 5 से 6 सीटी लगभग आ चुकी है। आप गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा के देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों बेबी के लिए कितना सुपर हेल्दी फूड बनकर तैयार हुआ है। करछी या मैसर की सहायता से आप इस फूड को मैश कर लीजिएगा या तो आप मिक्सी ग्राइंडर के जार में इसकी एक प्यूरी फॉर्म भी तैयार कर सकते हो। तो बस दोस्तों अब इस फूड को अच्छे से ठंडा होने देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे फूड अच्छे से मैश हो गया है और ठंडा भी हो चुका है। अब इसके बाद इसे दोस्तों एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और बेबी को फूड खिलाने के लिए रेडी कर लेते हैं। जो मेरी बेबी है 1 ईयर की कंप्लीट हो चुकी है, उसी के लिए ये फूड बनकर रेडी हुआ है। अगर आपका बेबी 8 महीने से ऊपर है तो आप इस फूड को बेबी को आसानी से दे सकते हो। और दोस्तों इस फूड को आप अपने बेबी को लंच डिनर किसी भी टाइम पे दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा बताई गई फूड रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।